नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के नेता भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा टिकट मिलने के बाद भावुक होकर रो रहे थे। वह पार्टी मुख्यालय के बाहर बने कमल के निशान पर दंडवत करते हुए नजर आए। तब उन्होंने एक बयान दिया था, बीजेपी ने उनकी मेहनत का उनको बड़ा इनाम दिया है। उस समय तक उन्हें यह पता नहीं था कि जीत के बाद उनकी लॉटरी भी लग सकती है। 30 सालों तक लगातार पार्टी के लिए काम करने के बाद उन्हें बीजेपी ने नरसापुरम से टिकट दिया था। किस्मत ऐसी रही कि टीडीपी से गठबंधन के कारण वो चुनाव भारी मतों से जीत गए। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के गुड्डूरी उमाबाला को 2,76,000 से अधिक वोटों से हराया। बड़ी जीत के बाद पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर उनके धैर्य का इनाम भी दिया। 9 जून को उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। राजनीति में कब किसकी किस्मत चमक जाए यह बताना बेहद मुश्किल है। चुनाव में बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ग्राउंड पर पार्टी कैंडिडेट के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। नरसापुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा बीजेपी के ऐसे ही वर्कर रहे हैं जो अब केंद्र की मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इस चुनाव में उन्हें पार्टी ने 30 साल बाद टिकट दिया था। पहले नरसापुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद एक्टर यू कृष्णम राजू की पत्नी श्यामला देवी के नाम पर चर्चा रही। अंतिम समय में पार्टी आला कमान ने भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया था। भीमावरम के रहने वाले भूपति एस वर्मा छात्र राजनीति AISF से शुरू की, मगर बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। उस दौर में आंध्र प्रदेश में पार्टी का जनाधार आप उंगलियों में गिन सकते थे। उन्होंने वेस्ट गोदावरी इलाके में पोलिंग एजेंट के तौर पर काम किया, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और सचिव बने। अपनी मेहनत के कारण वो संगठन में लगातार आगे बढ़ते रहे। 10 साल तक जिला अध्यक्ष रहने के बाद बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी बने। उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में भी जगह मिली, मगर चुनाव में कभी उनको टिकट नहीं मिला। 1999 और 2014 के चुनाव में भूपति राजू ने बीजेपी कैंडिडेट को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश में TDP जनसेना के साथ में गठबंधन किया और उन्हें राज्य में 6 सीटें मिली। इस चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली, उसमें नरसापुरम भी शामिल है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को 7,07,000 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी गुड्डूरी उमाबाला को 4,30,541 वोट मिले। चुनाव में बम्पर जीत के बाद भूपति राजू पहली बार संसद पहुंचे। इससे पहले उनकी राजनीतिक अनुभव ईस्ट गोदावरी में पार्षद पद की रही थी। अब वह मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। चुनाव आयोग के हलफनामे के अनुसार 56 साल के भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा राजनेता के अलावा बिजनेसमैन भी है। उनके पास 7.2 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी वेंकटेश्वरम्मा के बैंक अकाउंट में 4,93,680 रुपए जमा है। इस बार के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट चौंकाने वाले आए थे। संसद में पक्ष और विपक्ष की जबरदस्त भागीदारी जनता ने सुनिश्चित की है। दक्षिण से बीजेपी को काफी उम्मीदें थी, मगर उम्मीदों के मुताबिक ना सही, मगर पार्टी ने अपना छाप दक्षिण में जरूर छोड़ी है। केरल में बीजेपी में पहली बार खाता खोला है। तमिलनाडु में पार्टी का वोट बैंक जबरदस्त बढ़ा है। 175 सदस्यों वाली आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के साथ ही आए। तेलुगु देशम पार्टी की TDP ने इस बार जगन मोहन रेड्डी से 2019 में हार का बदला ले लिया। TDP, बीजेपी और जनसेना ने कुल 165 सीटें राज्य विधानसभा चुनाव में जीत ली। वाईएसआर कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली और इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस CPI CPIM का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के चुनावी इतिहास में हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है। बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू CM बने, मगर 2019 में वाईएसआर कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। यहां पर TDP महज 23 सीटों पर सिमट कर रह गई थी।
आंध्र प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 88 है।